पहले का हम लोग दो टॉपिक पढ़े हुए थे, जिसमें पहला टॉपिक पढ़े थे n बराबर w अपान में m, जहां n क्या था, हमारा मोलों का संख्या था, w क्या था, पदार्थ का ग्राम में भार था, m क्या था, अणु भार था। और दूसरा हम लोग जो टॉपिक पढ़े हुए थे वो ये पढ़े हुए थे कि इस वाली n बराबर मोलों की संख्या बराबर क्या पढ़े हुए थे, कैपिटल n अपान में n, जहां पे हमारा स्मॉल n क्या था, मोलों की संख्या था, कैपिटल n क्या था, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या है, n क्या है हमारा, तो n हमारा अवोगाद्रो संख्या है, और अवोगाद्रो संख्या n बराबर हमारा वैल्यू कितना होता है, 6.02 × 10⁻²³ होता है। अब आगे अगर हम बात कर लेते हैं, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, तो तीसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एसटीपी पर, किस पर बात कर रहे हैं, एसटीपी पर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। एसटीपी पर जो 1 मोल गैस का आयतन होता है, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अगर n बराबर अगर हम 1 रख दे तो v अपान कितना हो जाएगा, 22.4 हो जाएगा। n बराबर 1 मोल ले लिए हैं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। तो हम यही बता रहे हैं आपको कि 1 मोल जो गैस का आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, जिसे हम लोग मोलर आयतन भी कहते हैं। एसटीपी पर बात की जा रही है, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का अगर हिंदी में बात कर ले तो हिंदी में उसको बोलते हैं मानक ताप दाब बोला जाता है। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो एसटीपी पर न लेकर के प्रायोगिक ताप और दाब पर लिया जाए। यदि गैस का आयतन प्रायोगिक ताप और प्रायोगिक दाब पर दिया गया है तो उस समय हम लोग मोलों की संख्या को आदर्श गैस समीकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं, और आदर्श गैस समीकरण का हमारा फार्मूला होगा PV बराबर nRT, जहां पे n बराबर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, PV अपान में RT, जहां पे n क्या है, मोलों की संख्या है, P क्या है हमारा, P हमारा दाब है, V क्या है, आयतन है, R क्या है हमारा, गैस नियतांक है, और T क्या है हमारा, ताप है, जिसे हम लोग परम ताप बोलते हैं। अगर P का मान हम जानते हैं किसमें दिया रहता है, वायुमंडलीय दाब रहता है, वायुमंडल में दिया रहता है, ATM में दिया रहता है, V जो आयतन है इसको लीटर में लेते हैं, R का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 0.0821 होता है। अब देखिए अगर R का मात्रक, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लिखे, तो देखिए R को यहां अगर चाहे तो यही बगल में हम बता देते हैं, इसके लिए R बराबर आप क्या लिख सकते हैं, PV अपान में NT लिख सकते हैं, P जो है वो दाब है, दाब को क्या लिखेंगे, मात्रक, ATM लिख देंगे, V क्या है हमारा, लीटर है, तो लीटर के लिए हमने लीटर लिख दिया, उसके बाद से n जो है मोलों की संख्या है तो पर में मोल लिख देंगे, और उसके बाद से टेंपरेचर है, परम ताप है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो केल्विन लिख दिया, तो हमारा मात्रक हो जाएगा ATM लीटर पर मोल केल्विन, या इसी को ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हम बात करते हैं, यदि पदार्थ का बिलियन बना दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम कैसे मोलों की संख्या निकालते हैं। तो यदि पदार्थ का बिलियन बना दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम मोलों की संख्या को मोलरता के द्वारा निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए मोलरता बराबर कितना होता है, W अपान में mv होता है, जहां v होता है आयतन लीटर में, W क्या है पदार्थ का ग्राम में भार है, m क्या है हमारा अणु भार है, और कैपिटल m जो है वो हमारा क्या है मोल पद, क्या नाम है, मोलरता है। अब देखिए एक फार्मूला हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि W अपान m को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं, जो मोलों की संख्या होती है, तो हम इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर n अपान भी रख सकते हैं। अब देखिएगा n बराबर अगर हम ऐसे कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो n बराबर m भी हो जाएगा, जहां n क्या है मोलों की संख्या है, m क्या है हमारा मोलरता है, भी क्या है आयतन है लीटर में, इसके थ्रू हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अगर एक और फार्मूला देख लेते हैं मोलों की संख्या का निकालने का। अगर कभी भी कहता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक मोल जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है, और 96,500 कूलाम बराबर कितना होता है, 1 फैराड होता है, तो हम लिख सकते हैं n बराबर कितना फैराड, 1 फैराड।